रिस्पॉन्स नहीं था, इसका मतलब अब क्या करना है हमें, हमें इनका एयरवे ओपन करना है, ये हम सबको ओपन करना आना चाहिए। एक हाथ रखेंगे आप फॉरहेड पे, टू फिंगर पिस्टल बनाएंगे, उस पिस्टल को रखेंगे चिन में। अब आप दो काम एक साथ करेंगे, हेड को टिल्ट करेंगे, चिन को लिफ्ट करेंगे, सर को पीछे करेंगे और चिन को ऊपर की तरफ करेंगे, और बड़ा जेंटली आराम से मैं आपको मैनेज कर दूंगा। आपने ये एयरवे ओपन किया, एयरवे ओपन करने के बाद आप क्या चेक करेंगे, इनकी ब्रीथिंग, हर्ट बीट पल्स चेक नहीं कर सकता। पल्स आमतौर पे नॉर्मल हालात में तो यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन एक्सीडेंट या डिजास्टर के बाद यहाँ पे तो पल्स भी नहीं मिलती। तो डॉक्टरों के पास तो बहुत तरीके हैं, मगर आम में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, उसकी पल्स देख कर बता देते हैं। लेकिन आपके लिए बेहतरीन तरीका है, पल्स से बेहतर है कि आप इनकी ब्रीथिंग चेक करें। ब्रीथिंग इसमें देर इज ए हार्ट बीट, देर इज नो ब्रीथिंग इसमें, देर इज नो हार्ट बीट। हार्ट बीट अगर मौजूद भी है तो सांस तो है नहीं, 30-40 सेकेंड में जल्दी बंद हो ही जाए। तो आप क्या करेंगे, एयर ओपन किया, आप इनकी ब्रीथिंग, 3 मेथड्स हैं जिनको फॉलो कर आप इनकी ब्रीथिंग को चेक कर सकते हैं। लुक मेथड, लुक में राइज एंड फॉल होता हुआ आप देखेंगे चेस्ट और एब्डोमिन, तो सांस ले रहा है तो अप एंड डाउन होगा, पता लगेगा सांस आ रहा है। लिसन मेथड, आप सुनने की कोशिश करेंगे, अपने फेस को इनके फेस के करीब लेकर जाएंगे, इनके ब्रीथिंग साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे। थर्ड इज आरपी मेथड, आप ये जो ब्रेथ को एक्सेल कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, उसकी वार्म ब्रेथ को अपने चिक्स पे फील करने की कोशिश करें। अगर पैंडेमिक टाइम हो तो पैंडेमिक जो जैसे अभी नोवल कोरोना वायरस था, उसका फैलाव कहाँ से था, वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल रहा था। तो ऐसे में फील और लिसन करना तो बड़ा हार्मफुल हो सकता है, आप खुद भी विक्टिम बन सकते हैं। तो ऐसे में बेस्ट मेथड है लुक मेथड भी है, आप देखेंगे सुने, आप सिर्फ देखेंगे 10 सेकेंड में, नॉर्मली हम टू टाइम्स ब्रीथ कर लेते हैं, तो 10 सेकेंड तक हम इन्हें देखेंगे कि ब्रीथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमने इन्हें देखा कि ये ब्रीथ कर रहे हैं, जब इनको सांस आ रहा है महसूस होगा, 10 सेकेंड लगाएंगे आपको पता लगेगा सांस आ रहा है, ब्रीथ कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप दो काम करेंगे, इनका कोई भी एक हाथ लेफ्ट या राइट, क्योंकि मैं अभी आपको सिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने राइट कर दिया, लेफ्ट भी कर सकता हूँ, उसे पता चलता है। एल शेप या 90 डिग्री से कर, पाम की बैक साइड, इसको रखा आपने चिन के यहाँ, चिन के साथ, अपने नए नए यहाँ से घूम लिया, अपने पूरी बॉडी को उठाकर करवट दे लो, क्या कर रहा हूँ, ये कहलाती है रिकवरी पोजिशन, किसे दी जाती है, मान कॉन्शियस विथ ब्रीथिंग कैजुअलिटीज को इसी तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इस तरह से जो अभी मैं बना, आपने क्या किया है, ये जो फोल्डेड लेग है ये मैक्सिमम आप एब्डोमिनल के क्लोज कर देंगे और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे, बॉडी को आगे धक्का दे देंगे, रीश्योरेंस के लिए, रीश्योरेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम इनकी ब्रीथिंग को फील कर देंगे अपने आप में जो वार्म ब्रीथ है, और लुक मेथड से हम इनके चेस्ट एंड एब्डोमिनल को रेस्ट फॉल होता देखेंगे। दिस इज कॉल्ड रिकवरी पोजिशन, ये पोजिशन हम सबको बनानी आनी चाहिए, ये दुनिया